और नमस्कार साथियों, एक बार हमारे सभी साथी जल्दी से जल्दी जुड़ जाए और जुड़ने के साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथियों, जैसा कि आपने हेडिंग में पढ़ा होगा कि एक 13 वर्षीय युवक जिसका नाम हिमांशु बताया जा रहा है और इस युवक को ढूंढने में आप सबका सहयोग, आप सब ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और जो युवक हिमांशु है वो जल्दी से जल्दी अपने पिता के पास पहुंच सके। 13 वर्षीय युवक जिसके माता जी नहीं हैं और उनके पिताजी जो है वो कल से ही जब से हिमांशु घर से लापता हुआ है तब से ही इनके पिताजी उनको ढूंढने में लगातार लगे हुए हैं। मैं चाहूँगा हमारे तमाम दर्शक एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें और शेयर करने के साथ ही हिमांशु के जो पिता है उनसे मैं बातचीत करूँगा। मैं आपको वो फ़ोटो भी बताऊँगा हिमांशु का, ये फ़ोटो है। अगर कहीं पर भी इस ये युवक जो आपको मिले तो आप ज़रूर इन नंबरों पर संपर्क करिएगा। जो 13 वर्ष से हिमांशु जिसका नाम हिमांशु बताया जा रहा है उनके पिता है वो हमारे पास अभी बैठे हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। और हमारे तमाम दर्शक एक बार इस वीडियो को भी शेयर करिएगा ताकि 13 वर्षीय जो हिमांशु है वो अपने पिता के पास पहुंच सके। ये हिमांशु का फोटो है। हिमांशु कल शाम से ही अपने घर से लापता है। उनके पिता है जो लगातार उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हिमांशु कल शाम से लापता हुआ है, अभी तक उनके घर नहीं पहुंचा है। ये फ़ोटो हिमांशु का है। अगर हिमांशु आपको कहीं पर भी दिखाई दे तो जो नंबर है उस पर आप संपर्क करिएगा और अभी हम हिमांशु के पिता से बात करेंगे, उनसे जानेंगे पूरी बात। अच्छा अंकल, क्या नाम है आपका? हिमांशु कब घर से गायब हुआ? मेरा नाम लालपुरी है, मैं गोस्वामी हूँ और कल ये करीबन 8:30 बजे गायब हुआ है। और उसके बाद में ये घर पे आया नहीं, ट्यूशन गया था। ये ट्यूशन वहाँ जाके मैंने पता किया तो वहाँ ट्यूशन गया नहीं, तो वहाँ से गायब हो गया ये घर से। और अब तक हम दो रहे हैं, देख रहे हैं, उधर उधर देखा है, नहीं मिला हमारे को। अगर मिल जाए तो हम उसको हमारे खुशी से इनाम देंगे हम जल्दी जल्दी हमारे को। अच्छा, हिमांशु के कैसे कपड़े पहने हुए थे? कपड़े उसके एक पैंट स्कूल की है, पैंट पहनी हुई और कई है खेलो गए हुए हैं, कई बाईजूस का थैला है, उसकी वजह मार्किंग है, ब्लैक कलर का, काले कलर का थैला है बाईजूस का, उसके पीछे फोटो लगा हुआ है, उसके बाद थैला है स्कूल का है और चंपल पहने हुए है, वाइट चंपल पहने हुए है काले ब्लैक कलर के और काला टी शर्ट है पहना हुआ, काले कलर का टी शर्ट और काली पैंट पहनी हुई है, पैंट पहनी हुई है ऐसा कलर की है पैंट। अच्छा, ग्रे कलर की पैंट भी पहनी हुई है और काला टी शर्ट पहना हुआ है। अच्छा, और काले कलर का बैग है, उसकी बाईजूस का उसका पीछे फोटो लगा हुआ है। हिमांशु मोबाइल चलाता है? मोबाइल चलाता है। अच्छा, हिमांशु कहीं पर भी किसी के मोबाइल में अगर ये वीडियो देख रहा है तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ तू घर पे आ जा जल्दी। तो पुलिस में रिपोर्ट वगैरह लिखवाई है आपने? हाँ, मैंने लिखवाई। पुलिस वाले जांच कर रहे हैं, कैमरे के अंदर अभी तक सो रहे हैं, पालिका बजाने यहाँ भी देखे हैं। ट्यूशन गया था, बाद में वापस घर नहीं आया? ट्यूशन गया ही नहीं, घर पे सीधा वहाँ से निकल गया, हमारे को बोल के गया ट्यूशन जा रहे हैं। अच्छा, घर पे बोल के गया ट्यूशन जाने का, ट्यूशन गया नहीं और घर से सीधा लापता हो गया? लापता हो गया। अच्छा, तो ये हिमांशु के पिता थे जिनका कहना है कि हिमांशु घर से निकला था ट्यूशन का बोल के कि मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, स्कूल का जो बैग था वो भी साथ में लेके गया था। और हिमांशु अगर आपको कहीं पर भी दिखे, एक बार मैं पुनः आपको वो फ़ोटो हिमांशु का दिखाऊंगा। मैं चाहूँगा हमारे तमाम दर्शक हिमांशु को हिमांशु के पिता तक पहुँचाने की कोशिश करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हिमांशु जो है वो अपने पिता तक पहुँच पाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।